दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। कल हमने बीके हॉस्पिटल से लाइव किया था, 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था, कहीं फेंक दिया गया था रास्ते में, जंगल में लेकर गए थे। इस मामले में फरीदाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि बिट्टू बजरंगी से मदद मांगी गई थी और उन्होंने बयान दिया था इस मैटर में। अभी मुकदमा दर्ज हो गया है, आरोपी अनीस और अन्य के खिलाफ CWC में बयान हुए हैं, कोर्ट में भी बयान हो गए हैं। बाकी अपडेट बिट्टू बजरंगी देंगे, इनके हाथों में FIR की कॉपी भी है। हाँ सर, हो गया मुकदमा दर्ज? हाँ जी, पुलिस प्रशासन का, महिला थाना 16 सेक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जाने पर मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने तत्काल प्रभाव से जो भी बच्चों के जो केस होते हैं उनमें बिगर देरी के संज्ञान में लेकर उसको मामला दर्ज करते हैं। और अभी हम सभी भाई मिलकर सेक्टर 12 कोर्ट गए और वहाँ पर 64 के बयान हुए। फिर लड़की को हम CWC लेके आए प्रशासन के साथ, यहाँ पे भी बयान हो गए। अब दोबारा लड़की को हम सामने नहीं ला रहे क्योंकि बच्ची है वो, 16 सेक्टर थाने में जा रहे हैं और वहाँ पर एक बार बयान होकर लड़की। फिर कौन से हैं आरोपी? एक नाम आ रहा है अनीस, वो जो जिहादी है और उसने ही रेप करके और मथुरा रोड पे। कोई अनीस है, मान लो अनीस है, उसको जिहादी क्यों बोलते हैं? जिहादी का मतलब होता है गलत काम करना। अच्छा। जो उस किताब से चलता है, जो संविधान से नहीं चलता। अच्छा। जो मस्जिदों में गलत शिक्षा लेता है, अच्छी शिक्षा लेगा वो जिहादी नहीं है। जिहादी वो जितने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त कर दिया था, जिहादी वो जो अपने पेट पर बम लगा दे, जिहादी वो जो गलत काम करे वो जिहादी है। और जिहादियों का जीजा इसलिए कहते हैं जो गलत काम करता है। चलो आगे बताइए, मुकदमे के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देंगे। मुकदमा नंबर ये है जी 72। और इसमें सारा ये बाकी हम देख लेंगे। एक मिनट, मुकदमा दर्ज हो गया है महिला थाना सेक्टर 16 में ना? हाँ जी, सेक्टर 16 में मुकदमा दर्ज हुआ है। पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है 24 जून को। बाकी पुलिस इस मामले में पूरी तरह से जांच पड़ताल करेगी और आरोपी तो फरार होगा मेरे ख्याल से। गिरफ्त में, गिरफ्तार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए गिरफ्तार कर लिया है, बहुत बढ़िया काम किया। देखिए तेजी से इसी तरह से अगर काम होता रहेगा तो पब्लिक का भरोसा पुलिस पर बढ़ता है। कल हालांकि थोड़ा सा डिसअपॉइंट लग रहे थे लोग की कार्रवाई उस हिसाब से नहीं हो रही थी जिस हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन जब उन्होंने संगठन से मदद मांगी, बिट्टू बजरंगी से मदद मांगी, मीडिया से मदद मांगी, तो मीडिया ने आवाज़ दिखाई है, तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई है, मुकदमा दर्ज हो गया, आरोपी भी पकड़ लिए गए हैं। मेरे ख्याल से कितने आरोपी हैं? वैसे 2 बता रहे हैं, लेकिन अभी एक का नाम सामने आया अनीस, और वो लड़की के मोहल्ले में रहता है और कोल्ड ड्रिंक देके ओल्ड फरीदाबाद और कोल्ड ड्रिंक पिला के पेप्सी में उसको बेला फुसला कर, बच्ची है 12 साल की, उसको तो बोलना भी नहीं आ रहा अभी, और उसको ले गया है उसके साथ और जान से मारने की धमकी दी उस बच्ची को कि अगर तूने अपने माँ बाप को बताया तो, क्योंकि उसकी माँ भी नहीं है, उसको पिताजी हैं, तो वो पिताजी काम पर चले जाते हैं। तो इस तरह के गंदे लोग सामाजिक, जो समाज में गंदी हरकतें करते हैं, वो ऐसी बच्चों पर निगाह रखते हैं ताकि हम इसका फायदा उठा लें और चलो कोई बात नहीं, यातना दे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुकदमा दर्ज हो गया है, आरोपी भी अरेस्ट हो गए हैं, बहुत सारे लोग का धन्यवाद बहुत बहुत। और हमारी मैडम जो है वहाँ की आईओ है, मेरी उनसे कल बात हुई थी, सब ठीक है, सबका धन्यवाद, क्योंकि मुकदमा दर्ज हुआ है, आरोपी भी अरेस्ट हो गए हैं। बाकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलता है, 5-6 महीने 6 महीने में डिसीजन भी आ जाता है, तो जल्दी कार इसमें इंसाफ मिल जाएगा। मेरा एक पैनल है, एक वकील नहीं, सैकड़ों वकील हैं जो हिंदू विचारधारा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सेक्टर 12 कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जो मेरे से एक रुपया नहीं लेते। इसीलिए कोई भी बच्ची का, बहन बेटी का मामला हो, मैं फोटो स्टेट के भी पैसे परिवार से नहीं लेता, बस उसको आना पड़ेगा और तब हम मदद करेंगे। चलो कोई बात नहीं, जो भी इनके पास मदद के लिए आता है, देखिए पूरी टीम खड़ी है और कल से लोग चक्कर लगा रहे हैं थानों के, चौकियों के, कोर्ट के, कचहरी के, लेकिन अभी इसमें सफलता मिल गई है, मुकदमा भी दर्ज हो गया है, कार्रवाई भी शुरू हो गई है, आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जेल भी वो चले जाएंगे और जल्दी ही न्याय मिलेगा इस मैटर में। एक बात और भाई साहब, सबसे कल से ही हमारे दलित समाज पे और वाल्मीकि समाज पे हमला हो रहा है, ये लड़की भी वाल्मीकि समाज की है, ये आपको मैं ज्ञात करा दूं। यानी कि अब ढकोसले वाले, जो दान देने वाले, भीमसेना वाले कहाँ गए हैं? अगर ये बच्ची कहीं और होती, हाथरस वाला कांड होता तो दुनिया आ जाती। अब इस बच्ची के परिवार से कोई मिलकर जाकर देखे कि बच्ची तेरे पे क्या बीती है, तब मानेंगे कि हाँ भाई
सर्व समाज एक होता है। चलो ठीक है, आपसे मदद मांगी गई और आपने मदद की। अब इस मामले में भीम सेना ने अभी तक चुप्पी साध रखी है, चाहे वो सेक्टर 56 का मामला हो, चाहे सेक्टर 17-18 बाईपास का मामला हो, चाहे ये ओल्ड फरीदाबाद बलात्कार का मामला हो, अभी तक भीम आर्मी सामने नहीं आई है। बाकी देखते हैं, अगर कोई सामने आएगा तो बताएंगे, बाकी इस मामले में जो अपडेट होगी बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।